let us start with the chapter measurement of matter first st before starting with the chapter we will find what is an atom or we'll just have a quick recap of what we have done in eighth standard so atom has a nucleus which has protons and neutrons and has an extra nuclear part around this nucleus so this is nucleus and these are extra nuclear part so atom has a nucleus which in which there are protons and neutrons and has various orbits together known as extra nuclear part in which there are electrons revolving okay now electrons electrons are denoted as e minus 1 minus 1 denotes it is negatively charged प्रोटॉन्स आर डिनोटेड एज पी प्लस वन विच डिनोट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रॉस इज डिनोटेड एन रेस टू जीरो विच मीन्स न्यूट्रॉस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वेन आई से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट मीन्स इट डज़ नॉट हैव एनी चार्ज इंपॉर्टेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन में ऐटम में उतने ही न्यूट्रॉ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं अगैन एन एन एटम

समझ लो इस एटम में अगर आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आठ प्रोटॉन्स हैं मतलब एट नेगेटिव चार्जेस हो गए एट पॉजिटिव चार्जेस हो गए सो माइनस एट एंड प्लस एट विल बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इस पूरे एटम के ऊपर एक भी चार्ज नहीं होगा जीरो दैट इज वाई एटम इज सेट टू बी न्यूट्रल बिक इन एनी एटम ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ साइज ऑफ द एटम हाउ इज़ साइज ऑफ़ द एटम डिटरमाइंड सो साइज ऑफ़ द एटम इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स रेडियस हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम का साइज़ बड़ा है और कौन सा एटम का साइज छोटा है क्योंकि एटम तो एनी वेज ही बहुत स्मॉल होता है हमको नजर नहीं आता है तो हम लोग उसके रेडियस से पता करते हैं कि कौन सा एटम बड़ा है और कौन सा एटम छोटा है अभी एग्जाम्पल लेते हैं मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए इधर एक है पहले लेते हैं नियॉन सो so, नियॉन का सिंबल है एन ही उसका एटॉमिक नंबर है टेन तो पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे और दूसरे ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे हो गया टोटल टेन एनी यू नो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा नहीं आ सकता टोटल करेंगे तो टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए सो so, देखो ये नियॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है एटम का यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं दिस इज योर न्यूक्लियस दिस इज योर के शेल दिस इज योर एल शेल फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी इसका साइज कितना है न्यूक्लियस से लेके लास्ट ऑर्बिट तक जो रेडियस होता है उस दैट इज़ रेडियस ऑफ एन एटम जो डिस्टेंस होता है सो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज सेट टू बी द रेडियस ऑफ एन एटम तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट के बीच में उतना ही बड़ा एटम का साइज़ होगा जैसे कि अभी नेक्स्ट है सोडियम देखो सोडियम का अटोमिक नंबर है इलेवन सोडियम का सिंबल है एन अटोमिक नंबर है इलेवन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडूशन का पहले ऑर्बिट में मैं दो डालूंगी दूसरे में मैं एट डालूंगी तो टोटल तो टेन तो हो गया अभी एक बज गया इलेवन का तो वो मैं लास्ट ऑर्बिट में डालूंगी अभी इसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ शेल्स बनाते हैं सो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस ये के शेल है ये एल है और ये एम है सो पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए दूसरे ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए और लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन डाला। अभी इसका रेडियस देखो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक वन इज बिग दिस और दिस साइज से नहीं देखो इसका डिस्टेंस है एल ऑर्बिट तक ही और इसका डिस्टेंस है एम ऑर्बिट तक तो वन ऑर्बिट इज मोर विच मीन्स रेडियस ऑफ सोडियम इज मोर देन नियॉन सो वॉट इज एटॉमिक रेडियस सो एटम्स रेडियस इज सेट टू बी एटॉमिक रेडियस एंड इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम सो एन एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स जैसे तुम लोगों ने किया है ना वजन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम ग्राम्स लिक्विड का हम लोग मेजर करते हैं लीटर्स मिली वैसे ही रेडियस ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर तो एक नैनोमीटर होता है टेन रेज टू माइनस नाइन मीटर इसका मतलब वन अपॉन टेन रेज टू नाइन मीटर इतना छोटा होता है एटम का रेडियस हो गई एटम खुद इतना छोटा होता है कि हमें नज़र नहीं आता है सो तो उसका रेडियस उससे भी छोटा होगा अभी कर रहे हैं एटम के वज़न को क्या बोलते हैं एक एटम के वजन को सो एटम इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर अभी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है हमने पहले भी किया है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक बार वापस इसके पास लेके जाते तुम वहाँ वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम सो इधर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उन दोनों को मिला के इसका अटोमिक नंबर है इलेवन मतलब इसके पास प्रोटॉन्स भी है इलेवन्स समझ लो न्यूट्रॉन्स है ट्वेल्व तो इन दोनों का एडिशन करो तो हो जाएगा इलेवन प्लस ट्वेल्व बिकम्स ट्वेंटी थ्री विच मीन्स सोडियम का वजन है ट्वेंटी थ्री वापस अभी डेफिनेशन करते हैं इसका मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको ऐड करना है काउंट करके एंड दैट बिकम्स द एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट एक ही एटम में जितना है अगेन मास ऑफ एन आइटम इज जोन एज एटॉमिक मास नंबर इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम अच्छा अभी एक और चीज़ क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए उन दोनों को साथ में मिला के बोलते हैं न्यूक्लियन्स जैसे कि वेन आई वॉज स्टाडिंग इन जेहिन कॉलेज आई वॉज कॉल टू बी अ जेहिन आइट मतलब क्योंकि मैं उस कॉलेज की हूँ सो so, वैसे ही क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस में इसीलिए उनका नाम है उनको साथ में बुलाते हैं न्यूक्लियंस अभी अटोमिक मास नंबर हो गया मतलब वजन अभी करते हैं अटोमिक नंबर जैसे यू गाइज हैव रोल नंबर्स इन द सिमिलर वे इनका आइडेंटिफिकेशन है अटोमिक नंबर दैट इज़ नथिंग बट या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर और आ रिमेंबर दोनों का एडिशन नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि तुमको पता है एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोई भी एक लेने का अगर एक एटम के पास इलेवन इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब उसके पास इलेवन प्रोटॉन्स है इसका मतलब उसका अटोमिक नंबर इलेवन ही है इलेवन प्लस इलेवन ट्वेंटी टू नहीं है या सो नंबर इज या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम